नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में मतगणना हेतु मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का हुआ कार्य आरंभ। शनिवार को पहले चरण का हुआ प्रशिक्षण, बाकी है और दो चरण। एक कलयुगी बेटे ने डायन के संदेह में अपनी मां को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद से हत्यारा बेटा है फरार, पुलिस जुटी जांच में। नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक उबाल, रेल चक्का जाम कर किया विरोध। टाटा से हावड़ा जाने वाली ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मतगणना हेतु मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो चुका है। शनिवार को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद और दो चरणों में इन्हें प्रशिक्षित कर मतगणना का कार्य इनसे लिया जाएगा। और तलब हो कि राज्य भर में निर्वाचन आयोग द्वारा 23 दिसंबर को एक साथ मतगणना होना है और पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों की मतगणना भी कोऑपरेटिव कॉलेज में बने स्ट्रॉन्ग रूम में होना है। ऐसे में 260 की संख्या में मतगणना कर्मियों को इस कार्य में लगाया गया है। इनके पहले चरण का प्रशिक्षण शनिवार को पूरा हुआ। इस दौरान चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए नियमों के तहत प्रशिक्षकों ने इन्हें कई जानकारियां दी, साथ ही कैसे सुगमता और पारदर्शिता के साथ मतगणना के कार्य को संपन्न कराना है इसकी भी जानकारी इन्हें दी गई। 16 एवं 17 दिसंबर को बाकी दो चरणों में इन्हें पूर्णतः प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। किस विधानसभा के लिए आप किस रूम में जाएंगे वो बता दिया जाएगा। सभा निर्वाचन 2019 के लिए मतगणना का कार्य 23 तारीख को होना है। उसमें प्रतिनियुक्त मतगणना सुपरवाइजर और मतगणना सहायक, इनका प्रशिक्षण भारत सेवा आश्रम संघ हिंदी मीडियम स्कूल के कमरा नंबर 1 से 6 में हो रहा है। आज पहले दिन का प्रशिक्षण है 14 तारीख को। इसके बाद 16 को है यहीं पे। इसके बाद 17 तारीख को सामूहिक रूप से एक से लड़ाई में इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। लगभग 260 हैं दोनों मिला के और इनका प्रशिक्षण 3 चरण का यहाँ होगा। जमशेदपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने डायन के संदेह में अपने सगी मां की गला काट कर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना एमजीएम थाना अंतर्गत दलदली गांव की है। वहीं घटना के बाद से हत्यारा पुत्र फरार है। उधर घटना की सूचना मिलते ही एमजीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी देते हुए मृतका के छोटे बेटे ने बताया कि उसका भाई अक्सर मां को डायन कहकर प्रताड़ित किया करता था। कल रात भी सभी एक शादी समारोह में गए हुए थे, घर लौटने पर माँ को मृत पाया। वही पुलिस आरोपी बेटे की खोज में जुटी हुई है। मृतका का नाम पुष्पा रानी महतो बताया जा रहा है और प्यारे पुत्र का नाम राजीव कुमार महतो है। हमला किया था, मेरा भैया मेरे माँ को मार दिया है, झगड़ा हुआ था, उसके बाद गर्दन काट दिया है। क्यों मारा ऐसे बोल रहा था, माँ को झगड़ा कर रहा था, 2-4 दिन से झगड़ा हो रहा था घर में। हम लोग घर में कहीं नहीं था, उसके बाद मैं घर में पापा भी नहीं था, डिप्टी में गया था, हम भी घर में नहीं था, शादी करके पार्टी में गया था, उसके बाद घर में कहीं नहीं था, अगल बगल घर का भी कोई नहीं था, अकेला था घर में। माँ उसको गर्दन काट दिए, फेंक दिया है। चलो ये दौली का गर्दन काट दिया अपना गया। हमारे माँ का जो बोलती चलो जो 2-4 दिन आगे से पहले से बोल रहा था डाइन है, हमको खा रहा है, डाइन है, इसीलिए गर्दन काट दिया दौली से मेरा माँ को। ये दलदली गांव का मैटर है एमजीएम थाना अंतर्गत। कल रात 8 बजे सूचना मिली कि पुष्पा रानी महतो एक है, जिसको उसी के लड़के राजीव महतो 23 साल उम्र, उसने मार दिया है। उसी सूचना पर चौकीदार के माध्यम से सूचना कंफर्म किया गया और सुबह 4 बजे 4:30 बजे करीब जाके लाश को लाया गया।
मृतिका का पति के अनुसार बोल रहे हैं कि मेरा बेटा नशेड़ी था, जुआ खेलता था, रोज पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं है, सूचना मिला है कि है तो हम लोग उसको भेजे हैं टीम। नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ एक बार फिर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से हावड़ा रूट में नलपुर स्टेशन के निकट स्थानीय लोगों ने रेल चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते टाटा नगर से हावड़ा जाने वाली ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। लगातार दूसरे दिन संशोधन बिल के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खड़गपुर से हावड़ा रूट में नलपुर स्टेशन के पास आगजनी कर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति को पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से टाटा नगर से हावड़ा की ओर जाने वाली डाउन लाइन की कई एक्सप्रेस ट्रेनों को टाटा नगर में ही फिलहाल रोका गया है। दूसरी तरफ कुछ ट्रेनें हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है, जहां रांची से चलकर हावड़ा जाने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस को टाटा नगर स्टेशन में शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है। वहीं स्थिति को भांपते हुए यात्रियों के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन में सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। कैटरिंग की सारी सुविधाएं रेल प्रबंधन की ओर से यात्रियों को मुहैया कराई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टाटा नगर रेलवे स्टेशन के निदेशक एच के बलमुचू ने बताया कि स्थिति के मद्देनजर डाउन लाइन की ट्रेनों का ठहराव टाटा नगर स्टेशन में किया गया है। साथ ही जो ट्रेनें रद्द हुई है उन ट्रेनों को यात्रियों के टिकट लौटाने के लिए भी अलग से काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कुछ पब्लिक एजुकेशन के चलते जो है अहमदाबाद से हावड़ा जाने वाली ट्रेन जो अहमदाबाद एक्सप्रेस है यहाँ टाटा नगर में डिटेन हो रही है, और एक है जो रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस वो भी जो है यहाँ पर कंट्रोल हुआ है, जिसकी वजह से और भी जो है हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस भी उसको कैंसिल कर दिया गया है, और इंटरसिटी एक्सप्रेस को यहाँ टाटा में शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है और यहीं से उसको ऑफलाइन में चलाया जाएगा इंटरसिटी एक्सप्रेस को, तो ये हावड़ा नहीं जाएगी। साक्षी थाना अंतर्गत काशीडी लाइन नंबर 5 के मकान संख्या 159 में देर रात चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बताया जाता है कि गृहस्वामी राम वृक्ष साव की बेटी की शादी 11 दिसंबर को जुगसले में हुई थी। घर के सभी सदस्य बेटी के ससुराल वालों द्वारा आयोजित रिसेप्शन समारोह से लौटे थे। सुबह जब नींद खुली तो घर में चोरी की घटना से परिवार वाले सदमे में हैं। बताया जाता है कि चोरों ने घर में नशीला स्प्रे मारकर सभी को नींद में सुलाने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि घर वालों ने बताया कि सुबह जब उनकी आंख खुली तो आंख में काफी जलन हो रही थी। फिलहाल घटना की सूचना साक्षी थाना पुलिस को दे दी गई है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हम लोग रात में 1:30 तक पार्टी से आए, 1:30 तक सोए या 3 तक मेरा भाई वो फोन चला रहा था, देख रहा था, तो उसको लगा कि उसको सीढ़ी से कोई आ रहा है, पर वो उतना ध्यान नहीं दिया। उसका दरवाजा भी आगे तरफ खोल के देखा कि वहां पे कोई घुसा, तो इसको लगा कि कोई तो होगा घर का, कोई बाथरूम के लिए गया होगा, तो नहीं ध्यान दिया। और सबको का हम लोग जब सुबह में उठ रहे हैं तो सबको का आंख में यहाँ पे जल रहा है बहुत, कि देख रहे कि सबको स्प्रे मारा, और मम्मी पर्स के लिए मांगी तो पर्स यहाँ देख रहे किसी का पर्स नहीं, मेरा पर्स, मम्मी का, नानी का और मामी का, पापा का, भैया का, सबका पर्स नहीं है। और पैंट में भी 10,000 रुपया, 15,000 रुपया ऐसे ही बस रखा हुआ था, तो सब चीज लेके चला गया। मेरी दीदी का शादी हुआ था 11 तारीख को और कल था 13 तारीख को पार्टी था। जमशेदपुर के बिष्टपुर में देश के लीडिंग कैफे ब्रांड बियॉन्ड टेम्पटेशन के आउटलेट की शुरुआत शनिवार से हुई। झारखंड में कंपनी का ये दूसरा आउटलेट है। इससे पूर्व कंपनी ने चाईबासा में इसका आउटलेट खोला था और अब जमशेदपुर में इसे खोला गया है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार ये ब्रांड देश के लीडिंग ब्रांडों में से एक है और देश भर में इसके आउटलेट्स हैं जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद किया करते हैं। झारखंड में हमने जो शुरुआत किया है चाईबासा, ऑलरेडी आउटलेट ओपन हो गया लास्ट मंथ में हमारा, ये सेकेंड ब्रांच है झारखंड में।
कौशल जी आके मास्टर फ्रेंचाइजी है एज अ बिजनेस पार्टनर एंटायर झारखंड स्टेट के लिए। तो बियॉन्ड टेम्पटेशन ऑलरेडी 12-13 स्टेट में काम कर रहे हैं, 100+ आउटलेट्स है और स्टेट में। बेसिकली वी आर मास्टर्स इन थिक शेक, मस्तानी, कोल्ड कॉफी, बर्गर, सैंडविचेस और बहुत सारा प्रोडक्ट रेंज हमारा है। चलिए ऑल ओवर इंडिया में हम ये रन कर रहे हैं अभी। जमशेदपुर के परसोडी सिद्धू कानू चौक स्थित सत्संग उपासना गृह में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 132वां जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसे लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सत्संग उपासना गृह समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष काफी धूमधाम के साथ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जयंती मनाई जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष 15 दिसंबर को परसोडी स्थित सिद्धू कानू चौक के निकट सत्संग उपासना गृह में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। साथ ही सत्संग उपासना गृह का 30वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जहाँ इस दौरान गीतांजलि, धर्म सभा, भंडारा, मातृ सम्मेलन, कवि गीत समेत छोटे बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। कम से कम 10,000 अनुदान। कल्पना में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 132वां जन्मवर्ष की समारोह, साथ में हरिद्वनी सत्संग उपासना जी की 3रा वर्ष उद्बोधन दिवस समारोह, सुबह 8:30 बच्चों लोगों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, 11:00 धर्म सभा, दोपहर 12:00 के बाद भंडारा, 1:00 से मास्टर सम्मेलन, 2:30 से रंगारंग कार्यक्रम, कलकत्ता के विशिष्ट कवियाल की ओर से कवि गान की व्यवस्था रखा गया है। इसके अलावा क्या कुछ? साथ में हम कुछ दरिद्रों के अंदर, गरीब के अंदर कंबल वितरण करेंगे। जमशेदपुर में एक सामाजिक संस्था के द्वारा युवाओं के भीतर छुपे हुनर को निखारने हेतु टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागियों ने मॉडलिंग, डांस और गायन में अपने हुनर को प्रदर्शित किया। बड़ी संख्या में यहां शहर के युवा वर्गों ने पहुंचकर ऑडिशन दिया, जिसमें कई प्रतिभागियों को अलग चरण के लिए चयनित भी किया गया। इनके द्वारा पूरे राज्य भर में इस शो को आयोजित कर बेहतरीन प्रतिभागियों को चयनित कर फाइनल राउंड में भेजा जाएगा और रांची में फाइनल राउंड के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार युवाओं में शिक्षा के साथ साथ कई अन्य हुनर भी छुपे होते हैं और उसे निखारने के लिए ही इस तरह के शो का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग टैलेंट की सर्च कर रहे हैं। वी वांट कि लोग पढ़ाई के साथ साथ, लाइक अभी का है कि पढ़ाई के साथ साथ लोग अपने आप में लुप्त हो जाते हैं, उनका जो एक्टिविटी है वो जो आगे, मतलब जो टैलेंट अंदर है उसको बाहर निकालने का एक मौका चाहिए होता है। 150 कैंडिडेट हैं अभी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लाइक अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन जमशेदपुर से करा रहे हैं, ऑडिशन जमशेदपुर में करा रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे ही डिफरेंट जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, दिल्ली सिटीज में, जो झारखंड की सिटीज हैं, टाउन कह सकते हैं, वहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम कराएंगे। सारे के जो सर पार्टिसिपेंट के विनर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड रनर अप, विल बी गो, फिर उसको उनका सबका फिनाले होगा हमारा रांची में। जमशेदपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहे इंटर स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब संत मैरी हिंदी हाई स्कूल ने अपने नाम कर लिया है। वहीं आरएमएस सोनारी दूसरे स्थान पर रही। जोगा के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। विगत 4 दिनों से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन चल रहा था, जिसमें शहर में लगभग 25 स्कूल शामिल हुए। यहां लीग के तहत मैच खेले गए, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी में खेल हुए। अंतिम दिन संत मैरी हाई स्कूल ने अपने नाम इसका खिताब कर लिया। वहीं आरएमएस सोनारी दूसरे स्थान पर रही। जमशेदपुर के सिटी एसपी ने विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया। सबसे पहले तो वी लाइक स्पोर्ट्स, वी लाइक स्पोर्ट्स मैन। रीजन बीइंग माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अभी आपको इस एज में मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, आपका माइंड जो बोलता है आपकी बॉडी वो करती है। 30 ईयर्स डाउन द लाइन आपको अगर मेरी बात याद रहेगी, देन यू विल रिमेम्बर। आपकी ये फिटनेस जो अभी है, आप इसको बरकरार रखिएगा, देन यू विल बिकम सक्सेसफुल इन वन एस्पेक्ट।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।